हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको K2R एप्लीकेशन का फुल सेटअप करके दिखाने वाला हूं और साथ में मैं आपको K2R को एक्टिवेट करके भी दिखाऊंगा और K2R को कैसे यूज करना है और सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन है, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे। काफ़ी सारे लोग वीडियो देखते हैं बट उसमें से कुछ ही लोग सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने अपना कीबोर्ड माउस यहाँ पे रख लिया है, जो कि देख सकते हैं अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया, दोनों का वायर यहाँ पे है। तो इसको कनेक्ट कैसे करना है, आपके मोबाइल में अपने पहले OTG लगा लेना, जो कि यहाँ पे माइक्रो USB है, माइक्रो टाइप है। तो मैं यहाँ पे इसको लगा लेता हूँ। लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेट हो गया। उसके बाद आपको अपना USB हब लेना है, जो कि यहाँ पे USB हब को इस तरीके से आपको रख लेना है और इसमें आपको अपना USB हब लगा लेना है। इस तरीके से लगाने के बाद आपका जो माउस का वायर है इसको आपको इसमें लगा देना है इस तरीके से, और यहाँ पे आपका जो कीबोर्ड का वायर है इसको आपको इस तरीके से इसमें लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारे कीबोर्ड में, कीबोर्ड माउस दोनों में लाइट आ चुका है, यहाँ पे भी इसमें भी आ चुका है। तो चलिए हम अपना K2R एप्लीकेशन ओपन करते हैं और उसमें देखते हैं। तो मैं पहले जो है मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर चुका हूँ और यहाँ पे आपको परफेक्ट तरीके से दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं ब्राइटनेस भी बढ़ा लिया हूँ। तो यहाँ पे अपना K2R एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जो कि यहाँ पे है। तो K2R वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसको करने के बाद आपके पास यहाँ पे अगर आपने नोटिफिकेशन इसका बंद किया हो तो इस तरीके से मैसेज आएगा, तो आपको नो पे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइस सेटिंग, यहाँ 4 इनेबल्ड, यहाँ पे मेरा डिवाइस कनेक्ट है। और यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है स्टार्ट मैपिंग ऐप, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे ग्रीन टैब पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ऐड आ चुका है, तो मैं ऐड को हटा लेता हूँ और यहाँ पे फ्री फायर को ऐड कर लेता हूँ। और यहाँ पे सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ से हम बैक करते हैं, यहाँ पे ग्रैंड का ऑप्शन आ रहा है, ग्रैंड पे क्लिक करके यहाँ पे मैं नो रजिस्ट्रेट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहले से इसको एक्टिवेट करके रखा है। अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया तो आपको स्क्रीन पर मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ किस तरीके से एक्टिवेट करना है। तो दोस्तों आपको एक्टिवेट करने के लिए सिंपल से यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है टैप टू एक्टिवेट, यहाँ देख सकते हैं। सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ ऑप्शन खुल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ इनेबल का एक ऑप्शन मिला, इनेबल वाले ऑप्शन पर सिंपल से क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो K2R एप्लीकेशन है इसको आपको परमिशन दे देना है ताकि ओवरले आ सके इस पर। तो यहाँ से हम जो हमारा K2R एप्लीकेशन है इसको हम परमिशन दे सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर ऐप, इसको आपको ऑन कर देना है। फिर से आपको बैक करना है। बैक करने के बाद सिंपल दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ कह रहा है डेवलपर ऑप्शन आपको ऐड करने के लिए पहले। तो चलिए हम पहले अपना डेवलपर ऑप्शन ऐड कर लेते हैं। डेवलपर ऑप्शन कैसे ऐड करना है, यहाँ पे आपको सेटिंग में चले आना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अबाउट फोन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं एक मिलता है MIUI वर्जन, इस पर आपको 7 टाइम टैप करना है। अगर आप में MIUI वर्जन नहीं है तो आप बिल्ड नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस आपके मोबाइल में जैसे भी डेवलपर ऑप्शन ऐड हो आप ऐड कर लीजिए। हर मोबाइल में अलग अलग सिस्टम रहता है ऐड करने के लिए। यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आ गया, इस पर डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिला है USB डबिंग, इसको आपको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा नीचे आना और ये वाला ऑप्शन मिल रहा होगा वायरलेस डबिंग। ये सेटिंग के वाला आपको एंड्रॉयड 11 के ऊपर जितने डिवाइस है उसमें देखने को मिलेगा वायरलेस डबिंग, इसको आपको ऑन कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं ऑन कर रहा हूँ, तो यहाँ नीचे लिख रहा है प्लीज़ कनेक्ट वाईफाई। तो हम क्या करते हैं सिंपल से यहाँ पे एक वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो वाईफाई है देख सकते हो हमारा कनेक्ट हो चुका है Realme C2। तो यहाँ पे हम इसको बैक करते हैं और यहाँ पे हम फिर से डेवलपर वायरलेस एक्टिवेशन को ऑन करते हैं और यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन है, सिंपल से अलाउ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ नीचे मिलेगा USB डबिंग सिक्योरिटी सेटिंग, इसको भी आप अपने मोबाइल में ऑन कर दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके मोबाइल में हो तो इसको आप ऑन कर दीजिए। फिर से आपको थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई ऐप ओवर USB, इसको भी आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा अलाउ स्क्रीन ओवरले ऑन सेट, तो इसको भी आपको अपने मोबाइल में बहुत ज़रूरी है इसको ऑन करना, तो इसको आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको फिर से चले आना है अपने K2R एप्लीकेशन में और यहाँ इनेबल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फिर से आपको क्या करना है, यहाँ से बैक करना है और बैक करने के बाद यहाँ पे बैक करना है। बैक करने के बाद मार्क एज डन वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मार्क एज डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर से आपके पास आएगा मार्क एज डन, इस फिर से आपको मार्क एज डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ देख सकते हैं फिर से एक ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट पेयर, सिंपल सा आपको स्टार्ट पेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फाफ्सा नगर का कोड भरने के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं ऊपर जाना है और यहाँ पे जो आप सिलेक्ट किए थे वायरलेस डपिंग, इसको आपको एक इस साइड में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एयर डिवाइस इथ पेयरिंग कोड पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम जैसे ही ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कोड है यहाँ पे आ चुका होगा। तो यहाँ पे हम इसको भर देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 7193 इसको आपको भर देना है। और नीचे ये देख सकते हैं जो पोर्ट नंबर है ये ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। तो हम क्या करते हैं इसको भर देते हैं 7190 यहाँ से 93 थे, यहाँ पे हमने इसको भर दिया। भरने के बाद दोस्तों आपको पेयर वाले ऑप्शन पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे पेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप फिर से आपको रिडायरेक्ट कर देगा केटूआर एप्लीकेशन में। और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ चुका है, यहाँ पे कह रहा है एक्टिवेट में टेक 1 से 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर दोस्तों आपका जो केटूआर एप्लीकेशन है ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अभी तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो केटूआर एप्लीकेशन है वो ऑन हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पे नो पे क्लिक करते हैं और यहाँ देख सकते हैं केटूआर इज एक्टिवेटेड। और यहाँ पे डिवाइस सेटिंग यहाँ 0 अभी कनेक्ट है, मेरा कीबोर्ड माउस अभी कनेक्ट नहीं है। चलिए हम कीबोर्ड माउस को कनेक्ट करते हैं और आगे का प्रोसेस देखते हैं, इसमें की मैपिंग कैसे करना है और सब क्या करना है सब कुछ हम देखते हैं वीडियो में। एक्टिवेट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टार्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है सिंपल से स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और आपका जो एप्लीकेशन है केटूआर उसमें आपका केटूआर का एक माउस आ जाएगा, जो कि यहाँ पे माउस का कर्जर देख सकते हैं। और यहाँ पे की मैपिंग भी आ चुका है, इसका जो माउस का कर्जर है यहाँ पोलिंग रेट बहुत हाई है दोस्तों। और यहाँ पे इसका जो केटूआर का लोगो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हम इस पर अभी फ्री फायर ओपन हो जाता है, आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। तो हमारा फ्री फायर भी ओपन हो चुका है, तो हम क्या करेंगे ओके पे कंफर्म पे क्लिक करके यहाँ से हम इसको साइड से हटा देते हैं। और यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके पहले अपना सेंसिटिविटी जो है उसको अपने हिसाब से रख लेते हैं, जो कि हमारा सेंसिटिविटी ऐसा रहेगा। और इसको भी हम कम बेसी कर लेते हैं अपने हिसाब से। और करने के बाद दोस्तों आपको कंट्रोल वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे आपको अपना सेटिंग ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन फर्स्ट है, तो इस पर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से आपका सेटिंग आ चुका होगा। सेटिंग आने के बाद आपको क्या करना है, केटूआर के लोगो पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे में जो आस्टिक बटन ऐड है इसको कैसे ऐड करना है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर आप में इस तरीके से ऐड नहीं हुआ है तो आपको बता देता हूँ कैसे ऐड करना है। आपको ऐड करने के लिए प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा डी पैड WASD, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको इसको क्या करना है, इसके थोड़ा सा नीचे ऊपर करके आपको देख लेना है, इसके रेडियस जो है इसको आपको छोटा कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे फिर प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे, आपका जो यहाँ पे बन के आ चुका होगा। तो इसको आपको ऊपर रख देना है इस जगह पे। और की मैपिंग करने के लिए दोस्तों आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और क्लिक टैप वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे शॉर्टकट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, नल का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें आपको अपना माउस का कर्जर ला लेना है और यहाँ पे आपको उस बटन को सिलेक्ट कर लेना है जो बटन आप यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट बटन को रख देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा शिफ्ट बटन आ चुका है। और यहाँ पे ओके पे मैं सिंपल से क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे ऊपर करके देख लेना और यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, फिर प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे बटन आ जाएगा। इस बटन को आपको जहाँ रखना है वहाँ पे रख सकते हैं, तो मैं इस जगह पे रख देता हूँ। फिर से आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फिर से फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ नल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बटन सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पीएफ सेलेक्ट कर लेता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे पीएफ सेलेक्ट हो गया। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके पीएफ वाला जो बटन है इसको आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन पे रख देना है, यहाँ पे मैं रख देता हूँ। दोस्तों इस प्रकार से आपको अपना की मैपिंग कर लेना है। तो की मैपिंग करने लगूंगा अगर मैं दोस्तों तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, समझाने लगूंगा। तो मैं यहाँ पे अपना की मैपिंग कर लेता हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। क्या दोस्तों आपको यहाँ पे माउस का कर्सर हाइड एंड शो करने के लिए एक बटन ऐड करना है, जो कि प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, फिर से नीचे आना है, नीचे आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एमिंग मोड, एमिंग मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक रेडियस का ऑप्शन मिलेगा, इसको पहले आपको सबसे कम कर देना है, इस तरीके से आपको कम कर देना है, या फिर आपको यहाँ पे इतना साइज इसका 15 रख देना है। 15 रखने के बाद यहाँ पे आपको MMB मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है शॉर्टकट बटन पे। और यहाँ पे आपको बीच में लाना अपने माउस का कर्सर और यहाँ पे अपना आपका जो माउस का बटन है इसको आपको उस बटन को सिलेक्ट करना है जिससे आपका माउस का कर्सर हाइड एंड शो। तो यहाँ पे माउस का राइट बटन सेट करना चाहता हूँ, RMB का एक ऑप्शन आएगा राइट माउस बटन, देख सकते हैं यहाँ पे। फिर ओके पे हम सिंपल से क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमको मिल चुका है जिस जैसे PC में मिलता है सेंसिटिविटी, X सेंसिटिविटी
वॉइस सेंसिटिविटीज़ को आप अपने हिसाब से रख लेना, फिलहाल के लिए जैसे वैसे हम रखने देंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पे डीले यहाँ पे देख सकते हैं अपने हिसाब से, और यहाँ पे ऑफ करेक्शन यहाँ पे आपको नीचे आना है। और नीचे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव पे क्लिक करना है, फिर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं फिर से मैं रिडायरेक्ट कर दिया गया हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं फिर से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे एक बटन आ चुका है RMB करके, यहाँ पे RMB बटन को हम उस जगह रखेंगे, यहीं पे मेरा माउस का जो हैंडल्स होगा यहाँ पे रख देता हूँ। फिर से दोस्तों आपको प्लस का आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फायरिंग बटन ऐड करना है। फायरिंग बटन ऐड करने के लिए ऑप्शन मिला था आपको, उसको आपको सिलेक्ट करना है, क्लिक टैप, और यहाँ पे नल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपको माउस का कर्जे इस मिला करके आपका राइट बटन सेलेक्ट कर लेना, लेफ्ट बटन सेलेक्ट करने लगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं LMB करके एक ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक कर देना। फिर से आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ फिर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आपको इस बटन को फायरिंग बटन पे रख देना इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपना की मैपिंग कर लेना है। और यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे जो तीर बना था उसी पे आपको क्लिक कर देना है, फिर बैक आना है। और यहाँ पे मैं आप चलते हैं ट्रेनिंग राउंड में और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि हमारा जो गेम प्ले अच्छे से हो रहा है कि नहीं, हमारा जो बटन हर एक बटन वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं जैसे इस बटन को सिलेक्ट करना, हमारा माउस जो है लॉक हो जा रहा है और यहाँ पे 360 रोटिंग करना शुरू कर दे रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं हर एक बटन हमारा जो है काम कर रहा है कितने अच्छे तरीके से। और यहाँ पे इसका जो सेंसिटिविटी है दोस्तों बहुत कम है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं लॉक हो जा रहा है, तुरंत लॉक हो जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे K2R का एप्लीकेशन पे क्लिक करके RMB वाला ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा नीचे आना और X सेंसिटिविटी Y सेंसिटिविटी यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, इसको आपको अपने हिसाब से कम बेसी कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इतना रख लेता हूँ और यहाँ पे सेव करके यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे से बैक हो गया, पता नहीं ये क्या हो रहा है इस गेम में। और यहाँ पे फिर से मैं इसी में आ गया, रिडायरेक्ट कर दिया गया। और यहाँ पे फिर से मैं क्या करूँगा, नीचे आऊँगा, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो सेंसिटिविटी इस तरीके से हो चुका है, सेव पे क्लिक कर देंगे और यहाँ फिर सेव पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे और यहाँ पे हम रन कराएंगे। देख सकते हैं दोस्तों इसमें हमारा जो हर एक बटन है अच्छे से वर्क कर रहा है, बट जी माउस प्रो की तरह इसमें सेंसिटिविटी नहीं है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं हल्का सा मूवमेंट कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक यहाँ ज़्यादा हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं रहा यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों हमारा K2R एप्लीकेशन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, अगर आपके मोबाइल में वर्क कर रहा हो तो आप इससे गेम प्ले कर सकते हैं, बट मेरे मोबाइल में अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो मैं इससे बिल्कुल भी गेम प्ले नहीं करूँगा। और यहाँ पे मैं पहले गन ले लेता हूँ, गन लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं बैक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो फायरिंग बटन अभी कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, बट दोस्तों इस ऐप से गेम प्ले करने में अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे कीबोर्ड का बटन जो ऑटोमेटिकली वर्क करने लगा है, हमारा जो भी बटन अभी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर आपके मॉल में अच्छे से चल रहा हो तो आप इससे गेम खेल सकते हैं, तो मेरे मॉल में नहीं चल रहा तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम इसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।